साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का सबसे नया शो अब की बार किसकी सरकार। इस नए शो में आपको हम चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर बताएंगे, हर हलचल पर सबसे पहले हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। और आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो है वो मध्य प्रदेश के चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि एक बार फिर यहाँ कांटे की टक्कर है। और इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे। क्या इस बार भी जीतेंगे शिवराज? हालांकि 2018 में कमलनाथ के सर पर ताजपोशी हुई, लेकिन सिर्फ 16 महीने यह सरकार चली और ताज वापस आया शिवराज के पास। दोनों पार्टियां इस बार भी हर रोज रोज नए नए दांव आजमा रही हैं। आज शिवराज सिंह चौहान ने स्कूटी का दांव चला तो कांग्रेस ने बदले में क्या जवाब दिया? क्या कमलनाथ के गढ़ में हनुमान लोक का ऐलान शिवराज सिंह का मास्टर स्ट्रोक है? क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को कर्नाटक में हनुमान से ऐतराज था कांग्रेस को, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उसी हनुमान से प्यार है। इस पर हम आपको डिटेल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का अंकगणित भी समझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 6 रीजन हैं। ग्वालियर चंबल में 34 सीटें आती हैं और ये जो इलाका है ये नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला इलाका है। बीजेपी से दोनों इस वक्त केंद्रीय मंत्री हैं, हालांकि अब पाला बदल गया है। 2018 में जो सिंधिया कांग्रेस के साथ थे उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, जब वो अपने 22 विधायकों के साथ आए पार्टी टूटी और फिर शिवराज के सर पर ताजपोशी हो गई। बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 26 सीटें हैं और ये इलाका उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। भोपाल मध्य की बात कर लें, 35 सीटें हैं और यहाँ पर कांटे की टक्कर दोनों के बीच में होती है। अब बघेलखंड की बारी है तो बघेलखंड में कुल 33 सीटें हैं और यहाँ से राजेंद्र शुक्ला एक बड़ा नाम है। और कांग्रेस के चेहरे के तौर पर अगर हम बात करें तो श्रीनिवास तिवारी बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वर्चस्व उनका आज भी यहां पर कायम है। महाकौशल में 39 सीटें हैं, मालवा निवाड़ में 63 सीटें हैं और इन्हीं 6 रीजन में इस साल महामुकाबला होना है। मालवा की अगर मैं आपको बात करूं तो यहां पर कैलाश विजय वर्गीय बड़े चेहरे के तौर पर हैं। इसके अलावा अगर मैं निवाड़ रीजन की बात करूँ तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का दबदबा इस इलाके में साफ तौर पर नजर आता है। तो ये 6 रीजन हमने आपको बताए कि यहाँ पर किस तरह से अंकगणित एक बड़ा फैक्टर साबित होता है। लेकिन 2018 के चुनाव में किसे कितने सीटें मिली, किसके खाते में कितने सीटें गईं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अब हम ग्वालियर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में बीजेपी के खाते में 7 और कांग्रेस के खाते में 26 सीटें आईं। फैक्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सिंधिया खानदान का दबदबा वाला पूरा इलाका है। हालांकि भाजपा के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां से आते हैं। और यहां पर अगर हम कास्ट फैक्टर की बात करें तो सवर्णों की अच्छी खासी और ओबीसी की तादाद है। और अब ये देखना होगा कि सिंधिया के पाला बदलने के बाद क्या सिंधिया खानदान का जादू चंबल इलाके में उतना ही चलेगा। और अब अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, 26 सीटों में से 17 पर बीजेपी और 7 पर कांग्रेस रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये पूरा इलाका, उनके दबदबा वाला ये इलाका माना जाता है। इसके आसपास के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का जादू भी चलता है। भोपाल मध्य में 35 सीटों की अगर हम बात करें तो 2018 में 18 बीजेपी ने ये सीटें जीती थी, जबकि लगभग बराबर की टक्कर देते हुए कांग्रेस ने यहां से 17 सीटें जीती थी। अब बघेलखंड में नजर डाल लेते हैं। 33 सीटों पर मुकाबला हुआ जहां 24 सीटें बीजेपी के पास और 6 सीटें कांग्रेस के पास रही हैं। वहीं महाकौशल, जहां से खुद आपको बता दें कि कमलनाथ के गढ़ वाला ये एरिया है। इसके अलावा भाजपा से पूर्व सांसद राकेश सिंह का भी ये एरिया है, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी राकेश सिंह रहे हैं। साथ ही विवेक तनखा जैसे बड़े नाम कांग्रेस के पास महाकौशल रीजन में हैं। 39 सीटों में से 13 बीजेपी के खाते में और 24 कांग्रेस के खाते में आई थी।
मालवा निमाड़ में दो बड़े चेहरे और यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। यहाँ सबसे ज्यादा 63 सीटें हैं जिनमें कांग्रेस को 35 और बीजेपी को महज 27 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का ये पूरा इलाका है निमाड़ में, उनका वर्चस्व है। जबकि अगर मैं मालवा की बात करूँ तो बीजेपी के प्रदेश महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये पूरा इलाका, जो मालवा इंदौर और उसके आसपास का जो इलाका है, उनके प्रभाव वाला माना जाता है। लेकिन अब की बार किसके सर पर किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पर ताज सजेगा, इस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। 2018 में मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में गया, लेकिन सिर्फ 16 महीने ही सरकार चल पाई। अब आपको हम एक आंकड़ा दिखाते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 114 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी को 109 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बीएसपी के खाते में 2 और अन्य के खाते में भी यहां पर 5 सीटें आई। एससी एक बड़ी निर्णायक भूमिका भी यहां पर निभाता है। तो अब ये देखना होगा कि यहां पर जो जाति समीकरण फिट बैठाने की कोशिश की गई है, अंकों गणित के हिसाब से इसको ध्यान में रखकर जब बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें सबसे ज्यादा जातीय समीकरण को ही ध्यान में रखा गया। कुछ ऐसे चेहरे पर बीजेपी ने उन 39 नामों पर दाव लगाया जिन्होंने 2018 में चुनाव नहीं जीता। अब हमने आपको मध्य प्रदेश के चुनावी गणित का आंकड़ा तो दिया। एक छोटे से ब्रेक लिए हमें यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में जाति का गणित, जाति फैक्टर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए।